मशहूर अदाकारा फनकारा मीना कुमारी। बात निकाह तक पहुंच गई थी, अब्बा क्लिनिक में छोड़ने जाया करते थे और वहीं पर किस तरह से कमाल अमरोही वहां पहुंचे और किस तरह से उनका निकाह हुआ, बात अभी भी ढकी छुपी थी। निकाह के बाद कमाल और मीना ने अपने निकाह की बात को तब तक छुपाए रखने का वादा किया था जब तक मीना कुमारी 2 लाख रुपए अपने पिता और परिवार को ना दे दें, क्योंकि मीना कुमारी के पैसों की वजह से ही परिवार चलता था और मीना कुमारी नहीं चाहती थी कि उनके इस तरह अपने शौहर के घर चले जाने से उनके परिवार को, उनके अब्बा को, बाबूजी को, माँ को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़े। बात अभी तक उजागर नहीं हुई थी, ढकी छुपी थी, लेकिन एक दिन घर के नौकर ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही की टेलीफोन पे बातचीत सुन ली और इस बातचीत का हवाला अपने मालिक अली बख्श को, यानी कि मीना कुमारी के बाबूजी को दे दिया कि बाबूजी दोनों में कुछ गड़बड़ है। अली बख्श साहब तन्ना गए। अली बख्श ने जब मीना से गुस्से में पूछा बोलो, तो मीना कुमारी झूठ नहीं बोल सकी और उन्होंने कबूल कर लिया कि मैंने निकाह पढ़वा लिया है कमाल अमरोही के साथ। इस बात से तन बदन में आग लग गई अली बख्श को, इतने गुस्सा और इतने जलाली मूड में आ गए कि उन्होंने उसी वक्त उसी काजी को बुलाकर तलाक करवाने का मन बना लिया और कमाल अमरोही को भी इस बात के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो, तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो। कमाल और मीना ने इन हालातों में गो सब्र से काम लिया और चुपचाप इस बात को टालते रहे। अली बख्श ने मीना और कमाल के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पे वो मीना कुमारी के साथ खुद जाने लगे और जहां तक हो सका दोनों को एक दूसरे से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होने दिया, टोटल बैन। उधर कमाल अमरोही जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके घर पे जब इस निकाह का पता चला तो उनकी बेगम और रिश्तेदारों ने कमाल से तलाक लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, अभी भी शादी हुई थी, उधर से भी अब्बा कह रहे थे, इधर से बीवी कह रही थी। कमाल साहब की बेगम तो अपने बच्चों के साथ गांव अमरोहा चली गई। बात बात पर कमाल और मीना को अपने परिवार और समाज से ताने सुनने पड़े और इन्हीं हालातों से तंग होकर एक दिन कमाल अमरोही ने मीना को पैगाम भिजवा ही दिया, रिश्तेदारों और खानदान से जो जिल्लत मिली है, जो रुसवाई हुई है, उस वजह से हमें अपने लिए हुए फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए और हो सके तो इस निकाह को एक भूल समझकर ख़त्म कर देना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीना कुमारी को कैसा लगा होगा? जी बोलिए। बहुत बुरा लगा है जी, बुरा तो लगा होगा, लेकिन आप क्या उस नई नवेली दुल्हन की हृदय में जाके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या फीलिंग होगी? आप मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को जवाब में खत लिखा। खत में लिखा गया था कि मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए और शायद कभी समझ पाएंगे भी नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। दोनों के रिश्ते बनने से पहले ही बिगड़ गए। देने वाले ये तो बता दे, देगा कब तक ये बेगाने, बन जाने की राह अकेली, मिट जाने के लाख बहाने। क्या बात, ये मेरी मदर का शेर है। देने वाले ये तो बता दे, देगा कब तक देगा ये बेगाने, बन जाने की राह अकेली, मिट जाने के लाख बहाने। साहब बट लाइफ गोज ऑन, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी तो चलती रहती है जब तक उसे चलना होता है, जब तक इजाजत होती है उसे चलने की। कमाल अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, मीना कुमारी अपने काम में मशगूल हो गई, लेकिन दोनों के दिल में जो मोहब्बत थी वो इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती थी। इसीलिए अपनी शादी की पहली सालगिरह पर, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, जो भी डेट थी 14 फरवरी की, यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे 1953 को, मीना कुमारी ने कमाल साहब को फोन किया और उस लेटर के लिए माफी मांगी। और कमाल की बात है, इस
फोन के साथ ही दोनों में पैचअप होना शुरू हो गया। इस पैचअप के फौरन बाद ही मीना कुमारी ने अपने बाबूजी से कहा कि फिल्म डेरा के लिए उनके शौहर को उनकी जरूरत है, वो उनके साथ शूटिंग करना चाहते हैं। अली बख्श साहब का गुस्सा शांत कहा हुआ था और भड़क पड़े। उन्होंने कहा नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। एक लॉजिक देने की कोशिश की कि डेट्स महबूब साहब को अमर फिल्म के लिए दे रखी है, उन्हें वही शूटिंग करनी पड़ेगी। बाप बेटी में इस बात को लेकर काफी बहस हुई, मगर आखिर में मीना कुमारी बाबूजी के आगे झुक गई और हामी भर ली कि वो महबूब खान साहब की अमर फिल्म की ही शूटिंग करेंगी। मगर तकदीर का खेल देखिए कि पांच ही दिन में मीना कुमारी और महबूब खान के बीच में हो गई कुछ अनबन, और मीना कुमारी कहते हैं 4 अगस्त 1953 को महबूब खान के सेट से अपने पिता को कहकर छोड़ के आ गई कि वो महबूब खान के सेट से अपने हस्बैंड के सेट पर जा रही हैं। मीना ने जब इस तरह का विद्रोह किया तो बाप ने कहा कि तुम जा तो रही हो, तुम्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। रात को शूटिंग खत्म करके वो पहुंची मीना कुमारी डेरा के सेट पर, पहुंची अपने हस्बैंड के सेट पर, पहुंची कमाल अमरोही के सेट पर। लेकिन पैकअप के बाद जब अपने घर पहुंची तो पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला, साफ उन्होंने कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो गया है। मीना कुमारी ने कुछ कपड़े लिए, घर को कहा अलविदा और चल पड़ी अपने शहर कमाल अमरोही के घर। किशोर कुमार अपने बड़े भाई अशोक कुमार के घर पर ही रहते थे और वहीं पे उन्हें मिली पहली फिल्म दादा के संरक्षण में, बड़े भाई के छत्र छाया के तले। लेकिन इसी बड़े भाई ने क्यों निकलवा दिया उन्हें फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज से, क्यों किया बड़े भाई ने, बड़े भाई की बेरुखी का राज बताऊंगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।